ओम सद्गुरु परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षाम्यनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यं ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदं उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुमुखं कर्तुम् अव्ययम्। हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या द्वेष आदि दोष नहीं है, अतः मैं ये ब्रह्म योग जो गुह्यतम गोपनीय है, जो छिपाकर रखने योग्य है, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान के साथ समझाता हूँ, जिसको जानकर तू सांसारिक अशुभ विषयों से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन, ये गोपनीय ज्ञान और सब विद्याओं तत्वों का राजा है, इसलिए इस पवित्र उत्तम ज्ञान को गुह्य ज्ञान का राजा कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष है और सहज रूप से किया जा सकता है। ये अविनाशी तत्व मैं केवल तुम्हें समझा रहा हूं। श्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचं तेषु अवस्थिता। हे परंतप अर्जुन, इस धर्म ज्ञान में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त नहीं होते, केवल मृत्यु संसार की गलियों में वे भटकते रहते हैं। ये संपूर्ण जगत मुझ सच्चिदानंद परमात्मा से परिपूर्ण है, किंतु वे सब प्राणी जो पदार्थ मेरे भीतर हैं, किंतु जिनमें मैं नहीं हूं और जगतातीत हूं, उसके जीव और पदार्थों में कैसे रह सकता हूं? वे मेरे भीतर रह सकते हैं, उनसे ही मुझे जानता है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योगमेश्वरम् भूतभून च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानित्युपधारय। हे अर्जुन, वे समस्त भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु ईश्वरीय योग शक्ति देखो कि समस्त भूतों का धारण पोषण करने वाला और समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला होते हुए भी मैं परमात्मा उन भूतों में उपस्थित नहीं हूं। जैसे आकाश में स्थित होकर वायु सर्वत्र संचरण करता है, फिर भी उसका मूल स्थान आकाश में ही रहता है, वैसे ही समस्त भूत मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनर्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हे कौन्ते, इस सारी सृष्टि भूत समूह सहित कल्प के अंत में मेरी त्रिगुणात्मक सृष्टि में विलीन हो जाते हैं। दूसरे कल्प के आरंभ में मैं उन सभी की पुनः सृष्टि कर देता हूँ। अपनी प्रकृति के वशीभूत सारे भूत समूह पद पदार्थ सब की मैं बार बार रचना करता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वो उसी के अनुसार पुनः रचा जाता है। न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं
असक्तम तेषु कर्मसु मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे धनंजय, कर्मों के फल देता हुआ भी मैं उन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता हूँ। मैं उदासीन के समान होने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। मुझे कर्मों के कर्तृत्व होने पर भी मुझे उनके प्रति अभिमान तक नहीं होता। फिर आसक्ति आकर्षण की तो बात ही नहीं होती। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चर और अचर सभी जीव पदार्थों को उत्पन्न करती है, इसी कारण जगत का चक्र भी घूमता चलता है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम् मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिता। हे अर्जुन, मूढ़ लोग मेरे परम तात्विक रूप को तो जानते नहीं। मनुष्य आकृति से वे मुझे भी साधारण मनुष्य ही समझते हैं, और इस प्रकार महान ईश्वर को भी वे साधारण मनुष्य जैसा तुच्छ ही मानते हैं। हे पार्थ, उनकी आशा कर्म और ज्ञान सब निष्फल होते हैं। वे वास्तव में राक्षसी आसुरी और मोहिनी इन चमत्कारी प्रकृति को ही धारण करते हैं। मुखौटे पर मुखौटा लगाए हुए रहते हैं, उनको समझना कठिन है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततम् कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। परंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति दैवी प्रकृति के आश्रित होकर रहते हैं वे महात्मा हैं और सारे प्राणियों में अनन्य भाव से भजते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों का आदि कारण अविनाशी तत्व हूँ जिससे वे हैं। उन लोगों ने दृढ़ व्रत धारण कर रखा है, वे सतत मेरा कीर्तन करते हैं और यत्न पूर्वक मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे साथ योग करते हुए भी मेरी उपासना करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहम् कृतुरहम् यज्ञ स्वधामहम् मोषधम् मंत्रो अहम् अहम् मेवा यम् अहम् अग्नि अहम् हुतम्। कुछ लोग हे पार्थ मेरी उपासना ज्ञान यज्ञ से करते हैं, तथा कुछ लोग भिन्न भिन्न रूपों में मेरी उपासना करते हैं, तथा अन्य विश्वमुख रूप में अनेकों प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार सगुण निर्गुण द्वैत अद्वैत और विश्व रूप में मेरी उपासना लोग करते रहते हैं। हे अर्जुन, शौत कर्म मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, मैं ही स्वधा और औषधि हूँ। यज्ञ में जो मंत्र गाए जाते हैं वो मैं ही हूँ, जो हवि यज्ञ में डाली जाती है वो मैं ही हूँ, और जिस अग्नि में डाली जाती है वो अग्नि वैश्वानर भी मैं ही हूँ, और जिसके लिए हवि डाली जाती है वो देवता भी मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक् साम यजुरेव चा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलय स्थानं
निधानम बीजमव्ययम्। हे पार्थ, इस जगत का पितामह, माता, धाता और पालने वाला पिता भी मैं ही हूं। मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। साम और यजु, ऋक, ये भी मैं ही हूं। हे पार्थ, मैं ही सबकी गति हूं। सबका भरण पोषण करने वाला मैं ही हूं। सबका स्वामी, सबका साक्षी, सबका आश्रय, सबको शरण देने वाला, सबका हितैषी मित्र मैं हूं। मैं ही उत्पत्ति और विनाश का हेतु हूं। सबका आधार, सबकी निधि और सबका अविनाशी बीज मैं ही हूं। तपाम्यहम नहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युं च सद सच्चा हमर्जुन त्रै विद्या माम सोम पापूत पाप यज्जैरिष्टा स्वर्ग गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हे अर्जुन, मैं सूरज बनकर तप करता हूँ। मैं ही वर्षा को आकर्षित करता हूँ और वृष्टि भी मैं ही करता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, प्राण देने वाला, और प्राण लेने वाला मृत्यु रूपी भी मैं विश्व हूँ। ये सत और असत मैं ही हूँ। जो विश्व दिख रहा है वो सत, और जो कारण रूप असत है वो मैं हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ। पार्थ, तीनों वेदों के अनुसार इच्छा अनुसार पूर्ति के लिए कर्म करने वाले, सोम पाई सोम पीने की कामना वाले, पापों को धोकर पवित्र होने वाले, यज्ञों को करके अरिष्टों का विनाश करने वाले और स्वर्ग की कामना करने वाले लोग, वे सभी पुण्यों को प्राप्त करके पुण्यों के बल से स्वर्ग में जाकर देवताओं की भांति दिव्य भोग भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम बहाम्यम। हे कौन्ते, सभी स्वर्ग में पुण्यों के फल स्वरूप भोग भोगते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में वर्णित कामना की पूर्ति के लिए कर्म करने वाले भोग भोग कर पुनः पुनः आगमन करते हैं। एतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग, हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा ध्यान चिंतन करते हैं और निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी पुरुषों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। ये प्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु वाम अभिजानन्ति तत्त्वे नातश्चवन्ति ते। हे अर्जुन, जो भक्त लोग श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य अन्य देवताओं को पूछते हैं, वे भी वास्तव में मुझे ही पूछते हैं, किंतु उनकी विधि अनुकूल नहीं होती, इसलिए मैं उन्हें प्राप्त नहीं होता।
सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, किंतु वे मुझे तत्व दृष्टि से नहीं जानते, इस कारण पतित होते हैं, कार्य में असफल रहते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृयान से केवल पितरों को ही प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार भूत प्रेत को मानने वाले भूत प्रेत लोक से ऊपर नहीं जा पाते, किंतु मेरा पूजन करने वाले ही मुझे प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त भक्ति प्रेम से विभोर होकर पत्र पुष्प फल और जल भी अर्पित करता है, वही पुष्प जलादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर ग्रहण कर लेता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बसार है। यत करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे अर्जुन, तू जो कुछ अपने लिए या जगत के लिए करता है, खाता है, हवन करता है या दान देता है या तप भी करता है, वो सब मुझे ही समर्पित कर दे। संन्यास के योग से युक्त संसार से ही विमुक्त है जो व्यक्ति, वो निश्चय ही शुभ अशुभ कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और सबसे मुक्त होकर मेरी शरण को प्राप्त होगा। संन्यास का अर्थ ही है शरीर और तत्संबंधी समस्त उपलब्धियों को त्याग कर जिससे जो दिया है उसको न्यास रूप में धारण करके त्याग दे। तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे वस्तु, हे गोविंद, ये तुम्हारी ही वस्तु थी, तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। समोहं सर्वभूतेषु नामे द्वेष्वस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदूराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि स। हे अर्जुन, मैं ही सारे प्राणियों में समभाव से समाहित हूँ, मेरा ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, किंतु वे जो मुझे भक्ति भाव से भजते हैं वे मुझ में सदा रहते हैं और मैं सदा उनमें रहता हूँ। हे अर्जुन, वो दुराचारी भी मुझे प्रिय है जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, वही सच्चा साधु है, अर्थात उसकी बात मैं सुनता हूँ और वो मेरी वो मंतव्य है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति माम ही पार्थ व्यपाशित्य ये पीत्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, वो दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है मुझे अनन्य भाव से जो पूजता है, वो शाश्वत शांति प्राप्त करता है। अर्जुन समझ ले कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्रियां वैश्य शूद्र तथा पापी पाप योनि वाले जो भी हों यदि मेरी शरण आ जाते हैं वे परागति अर्थात मेरे धाम को अवश्य प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्ययम् सुखम् लोकम्
इमं प्राप्य भजस्व मां मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, स्त्रियां वैश्य शूद्र ही नहीं पुण्यवान ब्राह्मण भी मेरे भक्त परम गति प्राप्त करते हैं। स्त्रियां वैश्य शूद्र ही नहीं पुण्यवान ब्राह्मण राजऋषि जो मेरे भक्त हैं परम गति प्राप्त करते हैं। इस अनित्य और दुख से भरा ये संसार प्राप्त करके भी नित्य सुख से युक्त लोक पाने के लिए तू मुझे भज। हे अर्जुन, केवल मुझ में अनन्य भाव से जुड़कर भक्त बन जा, मेरा कीर्तन कर, मेरे लिए यजन कर, मुझे ही नमस्कार कर, इस प्रकार मेरा परायण होकर मुझसे एकात्म भाव प्राप्त कर, निश्चय ही तू मुझे पालेगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः।